दोस्तों MWC के अंदर लॉन्च हुए काफी सारे फोन एक के बाद एक, लगभग हर एक YouTube चैनल पे लगभग सभी फोन्स के बारे में आपको दी गई डिटेल, जितने भी टेक्निकल चैनल थे। लेकिन एक ब्रांड था जिसने वहां पर अपना फोन नहीं किया लॉन्च, वो था Oppo, और Oppo का R15 जो फोन है अब लॉन्च होने वाला इंडिया के अंदर। इस फोन के बारे में आपको बताऊंगा पूरी स्पेसिफिकेशन, अच्छा फोन होने वाला है दोस्तों। ये नॉच वाला फोन है, ये भी 19:9 के रेशियो के अंदर आने वाला है। लगभग पूरी मैं इसकी डिटेल आपको बताने वाला हूं, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन चैनल विद द वाई फैक्टर। आइए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंफर्मेशन जो मैं देने वाला हूं वो है इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर नहीं होगा, इसके अंदर होगा आपका हीलियो P60 का प्रोसेसर, और ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है दोस्तों। नॉर्मली जो हीलियो का प्रोसेसर है P60 अच्छा प्रोसेसर है, मतलब कि मैं बहुत हाई एंड पे तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल काम के लिए ठीक ठाक सा प्रोसेसर है। इसकी स्क्रीन होगी वो होगी 6.28 इंचेस की, और इसके अंदर आपको मिलेगा 2280x1080 का पिक्सल रेशियो, काफ़ी अच्छा पिक्सल रेशियो है, काफ़ी अच्छी सुपर एमोलेड इसके अंदर डिस्प्ले आने वाला है फुल HD का, तो स्क्रीन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। 6GB की इसके अंदर आपको मिलेगी रैम और 128GB की ऑन बोर्ड आपको इसके अंदर स्टोरेज मिलने वाली है दोस्तों। इसके अंदर आपको मिलेगा ओरियो का 8.1 लेटेस्ट है अभी, मतलब कि क्योंकि पी तो आया नहीं है, तो लेटेस्ट इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है। और जहां तक मेरे पास खबर आई है आपको मिलेगा इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है ओरियो का। और अगर बात करता हूँ ओप्पो, तो ओप्पो काफ़ी अपग्रेड कर रहा है। अब अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ तो अब जो नॉच के ऊपर है इन्होंने काफ़ी काम किया है, जिस तरीके की मेरे को खबरें आ रही हैं, तो नॉच जो होगा उसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि डिस्प्ले बढ़ा दिया है, ओप्पो ने नॉच के ऊपर भी काम किया है। काफ़ी सारे जब आएंगे तो मैं आपको आगे बताता हूं जैसे फोन लॉन्च होगा, अब कुछ दिन बाकी बचे। बाकी कैमरा जो है इसकी खासियत रही है दोस्तों, हमेशा से ही आपको मेन कैमरा जो है वो नॉर्मली ओप्पो के अंदर तो सेल्फी कैमरा को मेन मानते हैं, लेकिन हम रियर कैमरा को मेन मानते हैं। रियर में आपको मिलेगा ड्यूल कैमरा का सेटअप, ड्यूल कैमरा के अंदर आपको मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल और एक 5 मेगापिक्सल, लेकिन जहां बात आती है सेल्फी की, सेल्फी सेंट्रिक के फोन होते हैं 20 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, और कमाल के इसके अंदर इफेक्ट्स आएंगे फॉर श्योर, ये तो मैं आपको गारंटी से बता ही सकता हूँ बिना फोन आए हुए भी, क्योंकि ओप्पो का हमेशा से सेल्फी काफी अच्छा रहे। तो सेल्फी अगर लेनी है दोस्तों तो ओप्पो का फोन तो, और ओप्पो और वीवो तो छाए हुए हैं इसके अंदर। बाकी जो सबसे इसकी USB होने वाली है वो है 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का होना। 90% दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा एक नंबर है, 90% अगर रेशियो है तो समझ लीजिए कि लगभग बेजल तो है ही नहीं, मतलब 10% बेजल तो इतने कम होते हैं कि उसको क्या माने। तो 90% स्क्रीन टू बॉडी का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा रेशियो उन्होंने बनाया है, तो लगता है ओप्पो काफ़ी मेहनत कर रहा है और आने वाला फ़ोन इसका कमाल का होने वाला है, मैं भी इस चीज़ की वेट कर रहा हूँ। बारी आती है इसकी प्राइसिंग की, और कुछ फीचर जो आपको शायद डिसअपॉइंट कर सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की स्टार्ट करते हैं, शायद इसकी प्राइसिंग हो सकती है 28,000 के आसपास, तो प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। माना कि प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन है, लेकिन 28,000 का प्राइस सेल्फी के लिए देना थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ओप्पो इसको कम प्राइस पे लॉन्च करेगा ताकि लोग इसको ले सकें। दो इसके अंदर वेरिएंट आ सकते हैं, एक ओप्पो का R15 तो है ही, इसके अंदर ड्रीम एडिशन भी इसके अंदर आपको मिल सकता है, और कलर भी इसके अंदर दो और आने की उम्मीद है, रेड और ब्लैक कलर इसके अंदर आ सकता है। ब्लैक कलर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगता है, रेड कलर भी अब काफ़ी अच्छा आया था, जैसे लावा रेड मैंने देखा OnePlus 5T का, तो लावा रेड शायद हो सकता है ओप्पो के अंदर भी लावा एडिशन आने वाला है, मतलब लावा एडिशन आने वाला है। दूसरी अगर बात करूँ तो बैटरी होगी इसके अंदर 3365 mAh की। नॉर्मली ओप्पो जो है ज़्यादा बैटरी नहीं देता है, शाओमी के फ़ोन जो है नॉर्मल फ़ोन के अंदर भी 4000 mAh की बैटरी आ जाती है, ओप्पो ने थोड़ा अपग्रेड नहीं किया है। पिछले फ़ोन्स भी अगर मैं देखूँ तो नियर बाय 3000 mAh की बैटरी रहती है। देखते हैं प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है, क्या हमारे को अच्छा बैटरी बैकअप मिल पाएगा, क्योंकि पूरा जो है लगभग स्क्रीन है, तो स्क्रीन काफ़ी बैटरी कंजप्शन करता है। 3365 mAh की बैटरी है, होपफुली अगर थोड़ा बढ़ा पाते तो शायद अच्छा रहता, लेकिन 3500 के आसपास अगर मिल रही है तो देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहेगी। R15 होने वाला है जल्दी दोस्तों लॉन्च, और जैसे ही होगा लॉन्च मैं आपको दूंगा पूरी डिटेल इसके बारे में वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।